नमस्कार, मैं हूं प्रभु चावला। सच्ची बात में आज बात करेंगे फिर से कोविड के ऊपर, यानी कि कोरोना वायरस के ऊपर किस तरह से राजनीति हो रही है। हाँ कि अर्थव्यवस्था थोड़ा थोड़ा रेंगना शुरू हुई है, भागना तो नहीं शुरू हुई है, रेंगना शुरू हुई है। हवाई जहाज की सर्विसेज चालू हो गई हैं, पटरी पर ट्रेन वापस आ चुकी है और मजदूर सड़कों पर अब कम दिखाई दे रहे हैं जो पहले पैदल चल रहे थे। परंतु फिर भी कोरोना के नाम पर राजनीति की रोटियां अभी भी सेकी जा रही हैं। कोरोना बीमारी का कोई रंग नहीं है। टीवी चैनल पर आप देखते होंगे कि वो कुछ बनाते हैं इस तरह के कोरोना, कभी हरा, कभी लाल, कभी पीला, कि जो भी टीवी चैनल के लोग हैं, जो आर्टिस्ट लोग हैं, जो उनकी कल्पना हो सकती है वो सारी कल्पना उसके ऊपर बर्बाद कर देते हैं। मेरे को लगता है कि हमारे राजनीतिक नेता भी उन चीज़ों को देख करके एक सबक सीखते हैं कि हम भी राजनीति कैसी करें। कोरोना को हरा रंग दिखाएं, पीला रंग दिखाएं, तिरंगा दिखाएं, इस तरह की बातें करते रहते हैं। किसी को कई बार लगता है कि किसी एक विशेष समुदाय के लोगों से कोरोना फैल रहा है, किसी और को लगता है कि रूलिंग पार्टी जो भगवा जो है उनकी वजह से कोरोना पर कंट्रोल नहीं हो रहा, किसी और को लगता है कि कांग्रेस की ऊपर राजनीति कर रही है। अभी आप देख लीजिए, 3 महीने से कोरोना चल रहा था, सडनली कांग्रेस पार्टी की महामंत्री प्रियंका गांधी को याद आया कि उनको भी कुछ करना चाहिए, जरूर करना चाहिए, क्योंकि यूपी की महामंत्री हैं। हालांकि वो सारे गांधी परिवार से आती हैं, परंतु उनकी रणभूमि राजनीतिक जो है उन्होंने उत्तर प्रदेश को चुन रखा है। और उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री कौन है? भगवा पहना हुआ एक योगी आदित्यनाथ है। उसके साथ लड़ाई करनी है तो जब तक इस बीमारी का राजनीतिकरण नहीं हो दोनों तरफ से, तो दोनों के बीच में संघर्ष बन नहीं सकता। कांग्रेस की यह कोशिश है, मेरे को लगता है कि जिस तरह से प्रियंका गांधी एक्टिव हो रही हैं कि अगले 2022 का चुनाव जो होगा वो प्रियंका गांधी और योगी आदित्यनाथ के बीच में होगा। योगी आदित्यनाथ की छवि क्या है कि बहुत सख्त हैं, स्ट्रांग हैं, माफिया के खिलाफ हैं, सड़क पर खुद उतर जाते हैं, 19-20 घंटे काम करने वाले हैं, इसलिए वहाँ पर कोरोना वायरस की संख्या जो है ज़्यादा बढ़ी नहीं है, 6,000 से ज़्यादा नहीं पहुँची ऊपर, मरने वालों की संख्या भी बहुत कम है। परंतु लेबर क्योंकि सारी यूपी की सारे देश के अंदर फैली हुई है, लाखों लोग वहाँ पर आ चुके हैं, 20 लाख से लोग ज़्यादा आ भी चुके हैं और कुछ और आने वाले भी हैं, ऐसा लगता है कि 70 से 80 लाख लेबर जो है यूपी में आएगी और वो हर ज़िले में होंगे, हर पोलिंग बूथ पे उनका कोई ना कोई वोट होगा। तो ये लगता है कि जो माइग्रेंट लेबर जो आया है, मजदूर, वो एक राजनीति का वोट बैंक का नतीजा बन सकता है। तो प्रियंका गांधी जो कर रही है ठीक कर रही है। उन्होंने कहा कि हमने 1,000 बसें खड़ी कर दी बॉर्डर ला करके, उसके अंदर हम हर गांव के अंदर, हर डिस्ट्रिक्ट के अंदर अपने लोगों को ले जाएंगे। प्रियंका गांधी की कांग्रेस पार्टी तो लगभग डूब चुकी है, क्योंकि उनके पास नेता तो हैं परंतु कार्यकर्ता नहीं है। अब बसें तो बता दी, जब बसेस की उनको नहीं पता था कि जो बीजेपी की सरकार है, योगी जी की, उनके जो अफसर हैं वो पैनी दृष्टि से हर लीक लेकर के पैनी दृष्टि से दूर भी लेकर के देखते हैं कि बसेस कैसी हैं, हरे रंग की हैं, लाल रंग की हैं, रजिस्ट्रेशन है या नहीं है, फिटनेस है या नहीं है। तो उन्होंने वही किया, एकदम 1,000 बसेज की जो लिस्ट भेजी थी उन्होंने उसकी स्क्रूटनी की, वो आधी से ज़्यादा या तो उसके अंदर 3 पहिए निकले, 2 पहिए वाले निकले या फिटनेस की बसेज लिखी। उसके बाद राजनीति हुई और योगी जी सरकार को लगा कि इसके अंदर प्रियंका गांधी को फायदा हो सकता है। उन्होंने उनके सेक्रेटरी के खिलाफ FIR भी करा दी लोग इकट्ठे करने की और बसेस भी उनकी कुछ रोकने की कोशिश की। उसके बाद प्रियंका गांधी ने कहा कि अगर आपका बस चलता है, बसेस हमारी ले लीजिए, उसके ऊपर आप अपना झंडा लगा दीजिए। पर बात नहीं बनी और उसके बाद उन्होंने अपनी ऑफर को विड्रॉ भी कर लिया। ये तो एक कहानी है। महाराष्ट्र के अंदर क्योंकि सरकार मिली जुली है तो वहाँ बीजेपी के लोग बहुत हंगामा कर रहे हैं कि महाराष्ट्र हिंदुस्तान के अंदर सबसे बड़ा प्रदेश है, जहाँ पर मैं देख रहा हूँ फिगर आज की डेट के अंदर, फिगर जो हैं लगभग 42,000 केस जो वहाँ पर हो चुके हैं। सारे देश के अंदर 135,000 हैं, 135,000 के अंदर केवल 42,000 और उससे आधे खाली बम्बई में हैं। सबसे ज़्यादा लोगों की मृत्यु वहाँ पर हुई है क्योंकि वहाँ पर बीजेपी की सरकार नहीं है। इसकी वजह से बीजेपी वाले वहाँ पर कोई ना कुछ करते रहते हैं कि उदय सरकार फेल हो गई, कोई काम नहीं कर रही, क्योंकि मुंबई जो है
अमेरिका का जैसा न्यूयॉर्क है सबसे ज़्यादा वहाँ पर मृत्यु हुई है, ऐसा लगता है ये हमारा कॉस्मोपॉलिटन सिटी वहाँ पर भी सबसे ज़्यादा लोग मर रहे हैं। तो वहाँ पर भी राजनीति हो रही है, बीजेपी के लोग रोज धरना दे रहे हैं, बच्चों को किसी मुख्यमंत्री के बाहर खड़ा कर देते हैं, मास्क लगाते नहीं हैं। तो वहाँ पर लगता है राजनीति इसके साथ करनी चाहिए। दिल्ली के अंदर देख लीजिए, सबसे बड़ी बात दिल्ली के अंदर है। केजरीवाल जी रोज कुछ ना कुछ कहते रहते हैं, हमने ये कर दिया, हमने ये कर दिया। उनका असर दिखाई भी देता है, कई बार नहीं भी दिखाई देता, परंतु दोनों बीजेपी वाले तो चुप हैं, क्योंकि दिल्ली के अंदर बटा हुआ राज है। आधा राज, आधे से कम तो राज जो है केजरीवाल के पास, आधे से ज़्यादा है केंद्रीय सरकार के पास जो बीजेपी से कंट्रोल होती है। अब यहाँ कितने लोग मिले इसके ऊपर बहस हो रही है कि कोरोना कैसे ठीक करें, क्योंकि दिल्ली के अंदर इस वक्त लगभग 11,500 केस हो चुके हैं। तीसरा बड़ा राज्य हो गया, लगभग तमिलनाडु के अंदर से ज़्यादा हैं, महाराष्ट्र, तमिलनाडु और उसके बाद के दिल्ली आता है, उसके अंदर कितने लोग मरे हैं। केजरीवाल जी की सरकार का स्टेटमेंट आता है कि केवल 190 या 196 लोग मरे हैं। अजय माकन का कहना है कि 600 लोग मृत्यु हो चुकी है, क्योंकि उनकी खबरें इकट्ठी हुई हैं कब्रिस्तानों से या शमशान घाटों से, जहां पर कोविड के जो कैंडिडेट जो मृत्यु होती है उनको लाया जाता है अंतिम संस्कार के लिए। उनका कहना है कि 600 लोगों को इस तरह से मृत्यु प्राप्त हुई है। कौन सच बोल रहा है इसके बारे में, कैसे ठीक करें, सब मिल करके करें और इसके वजह से सब कुछ हो, वो नहीं है। कितने मरे हैं इसके ऊपर चर्चा ज़्यादा हो रही है, क्योंकि केजरीवाल आप पार्टी का है और कांग्रेस के हैं, विरोधी दल के अंदर हैं, बीजेपी वाले दिल्ली का मामला जब आता है तो चुपचाप बैठे हुए हैं, क्योंकि दिल्ली में लेफ्टिनेंट गवर्नर उनका नॉमिनी है, आधी सरकार वो चलाती है। तमिलनाडु के अंदर जाइए, तमिलनाडु इस वक्त तीसरे नंबर पर है लगभग, वहाँ दूसरे नंबर पर 14,000 केस हो चुके हैं और डीएम के नेता रोज कोई ना कोई चर्चा की जा रहे हैं। चेन्नई में सबसे ज़्यादा केसेस हो रहे हैं, परंतु वहाँ पर डीएम के नेता वहाँ की सरकार के ऊपर लांच लगाते हैं आरोप कि वो ठीक नहीं कर पा रहे, ये नहीं होना चाहिए, वो नहीं होना चाहिए। प्रॉब्लम ही प्रॉब्लम। आगे चलिए ईस्ट के अंदर, ममता का तो रोज ही झगड़ा बीजेपी के साथ होता रहता है। बीजेपी के लोग ट्विटर पर रोज धड़ाधड़ उनके ऊपर फायरिंग करते चले जा रहे हैं कि उनके यहाँ वो डॉक्टरों को कह दिया गया है कि आपको कोई अगर मर जाता है कोविड से, आप सर्टिफिकेट मत दीजिए कि ये कोविड से डेथ हुई है। हालांकि वेस्ट बंगाल इतना बड़ा प्रदेश है, वहाँ पर इतनी बड़ी संख्या नहीं है, परंतु वहाँ पर इलेक्शन क्योंकि अगले साल होने वाले हैं, उसकी वजह से वहाँ पर कोविड के रंग को भी बदलता चला जा रहा है। रोज़ कोई ना कोई झगड़े होते रहते हैं बीजेपी के ऊपर। वहाँ पर कभी ये नहीं सोचा गया कि किस तरीके से कोविड को कंट्रोल किया जा सके। CPM वाले तो ऐसा लगता है वहाँ से नदारद ही हो गए हैं। अब जब बहुत बड़ी बात ही वहाँ पर इतना बड़ा तूफान आ गया, समुद्री तूफान जो आया था जिसकी वजह से काफ़ी लोग मर गए, जब ममता जी ने एक आग्रह किया प्राइम मिनिस्टर को कि आकर आकर के देखिए, तो प्रधानमंत्री पहली बार वेस्ट बंगाल के अंदर ममता बनर्जी के खिलाफ सर्वेक्षण किया, राजनीति को बुला दिया। तो इस तरह से जो है कि हर तरह राजनीति करना कोरोना के नाम से, कि मजदूरों को नाम से वो मर रहे हैं बेचारे, उनको कई बार मजदूरों को ऐसा बनाया जा रहा है जैसे बलि का बकरा, कि उनकी वजह से किसी को फ़ायदा ना हो जाए। ट्रेन कौन चलाएगा, उसके पैसे कौन देगा, स्टेट गवर्नमेंट देगी, इसके ऊपर भी झगड़ा होता रहता है। मजदूरों को हवाई जहाज से क्यों नहीं लिया जाए, इसका अपनी बात है। हवाई जहाज कंपनियों ने कहा कि हम उनको ले जाएंगे, परंतु केंद्रीय सरकार ने उनकी बात नहीं मानी। तब जी देखेंगे कि जितने भी केसेस हो रहे हैं, 5 जगह हो रहे हैं सबसे ज़्यादा। इतना बड़ा देश, उसके अंदर 135,000 लोग हैं, उसमें से लगभग 45,000 से ज़्यादा ठीक भी हो चुके हैं, और 4 राज्यों के अंदर 135,000, 5 राज्यों के को मना करके चलें, गुजरात में 13,000 हैं, दिल्ली में 11,500 हैं, महाराष्ट्र में 42,000 हैं, तमिलनाडु में 14,000 हैं, और बाकी छोटी स्टेट दिल्ली पर मिला करके चलें, अगर UP के अंदर सब मिला करके 90,000 केस केवल 6 प्रदेशों के अंदर हैं। हालांकि काफ़ी ज़िलों में ये हो चुका है, 700 से ज़्यादा ज़िले हैं, उसके अंदर लगभग 600 ज़िलों के अंदर कोई ना कोई कैंप लीडर आपको 650 ज़िलों के अंदर मिल जाएगा। परंतु कोई भी राजनीतिक पार्टी इसको इकट्ठा मिलकर के कैसे इसे संघर्ष किया जाए, इसकी कोशिश अभी तक नहीं हुई। किसी भी मुख्यमंत्री से मेरे को नज़र नहीं आता कि 30 प्रदेश और केंद्रीय शासित क्षेत्र हैं, वहाँ पर किसी भी एडमिनिस्ट्रेटर ने या चीफ मिनिस्टर ने कभी ऑपोजिशन लीडर्स के साथ मिलकर के ये तय किया हो कि गरीब जो मर रहा है,
सड़कों पर जो मर रहा है, अस्पताल में जो मर रहा है, जो बिजनेस तबाह हो रहा है, उनको सॉल्व करने के लिए आओ मिलकर कोई उपाय करें। किसी ने नहीं किया। केंद्रीय लेवल पर ही मुख्यमंत्रियों से बात प्रधानमंत्री करते रहे, परंतु कोई भी अपोजिशन पॉलिटिकल मीटिंग कोई हो, इसके बारे में कोई भी लीड किसी भी पार्टी ने नहीं ली। सोनिया गांधी को भी कई बार याद आया, उन्होंने भी अपोजिशन के साथ एक वीडियो कॉन्फ्रेंस कर ही दी। परंतु देश इकट्ठा होकर के लड़ेगा इसके खिलाफ। जो चाइना से वायरस आ रहा है, उसके लिए भारतवर्ष जुड़ करके एक तरह से लड़े, उसकी कोई भी दूर दूर तक आशा दिखाई नहीं देती। वो केवल इस बात पे झगड़ा हो रहा है कि कोरोना वायरस से लोग जितने मरते जाएं, उनकी लाशों को गिनती करते हुए हम कितने वोट बटोर पाएंगे। ये चर्चा ज़्यादा देश के अंदर रही है, बल्कि इसके वजह नहीं हो रही कि किस तरह से लाशों की संख्या कम की जाए और स्वस्थ लोगों की संख्या बढ़ाई जाए। हुई ना सच्ची बात।